নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে স্বাস্থ্য আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ ওপৰত আলোচিত এক ইউটিউব চেনেল হেলথ এণ্ড ৱেলথ। আটাইকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ক'ব ওলাইছোঁ, আপুনি যেতিয়া কাৰোবাক ফোন কৰে বা লগ কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ টাইম শ্বিডিউলৰ প্ৰতি আপুনি কিমান সচেতন, নে আপোনাৰ সময় আছে বাবেই তেখেতক আপুনি ফোন কৰিছে বা লগ কৰিবলৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত আপুনি ব্যাঘাত জন্মাইছে? এনেকুৱা ঘটনা আপোনাৰ জীৱনত বাৰু হৈছে নেকি? যদি হৈছে, আপুনি জানি বা অজানিতেই এনেকুৱা কিমানখিনি ভুল কৰিছে, এই বিষয়ৰ ওপৰত আজি এটা খুব সূক্ষ্ম আলোচনা আমি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ আইডিয়ালৱে মাৰ্কেটিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ডাইৰেক্টৰ উমেশ কুমাৰ পাণ্ডে ছাৰে খুব সুন্দৰভাৱে এই বিষয়টোৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছে। আহক আমি সেই ভিডিঅ'টো অকণমান চাই লওঁ। দোস্ত নমস্কাৰ, মই উমেশ কুমাৰ পাণ্ডে। দোস্তো, আজ কা মে ভিডিও আপকো দে রহা হুঁ, জব হম কিসি সে মিলনে যাতে হ্যাঁ যা কিসি কো টাইম দেতে হ্যাঁ যা হমারে পাস কোই আতা হ্যায় যা হম কিসি কো ফোন করতে হ্যাঁ, তো জানে অনজানে হম কুছ চিজে গলত কর রহে হোতে হ্যাঁ। ও ক্যা জানে অনজানে ক্যা গলত কর রহে হোঙ্গে কর রহে হ্যায় উস পর আপকা মে ধ্যান চাহতা হুঁ। মান লিজিয়ে মে কিসি ব্যক্তি কে পাস যাতা হুঁ মিলনে কে লিয়ে, যা কোই ব্যক্তি মুঝসে মিলনে আতা হ্যায়, सेम सिचुएशन है। अब देखना यह है मुझको कि मैं जिससे मिलने गया हूँ उसका शेड्यूल किस तरह का है। देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में शिष्टाचार पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, तो हो सकता है उस व्यक्ति को कहीं जाना हो या कोई मुझसे मिलने आया हो और मुझे लगता है 10-15-20 मिनट कोई मेरा टाइम लेगा, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन आगे मेरा क्या अपॉइंटमेंट है, क्या मेरा शेड्यूल है, ये मैं जानता हूँ, उसको बताऊँगा तो लगेगा कि मैं अपने को बिजी शो कर रहा हूँ। और अक्सर देखा गया है कि आदमी आया कोई और हम सोचे 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए, वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जम गया। और ऐसे अगर 2-4 लोग दिन भर में मिल जाए तो पूरा दिन चला जाता है। तो हमको ये बहुत ध्यान देना है कि किसी से भी हम मिलने जा रहे हैं तो उसका हम कितना टाइम ले रहे हैं और उसकी दिनचर्या क्या है। ऐसा नहीं कि हर आदमी घर पे है इसका मतलब उसके पास कोई काम धाम नहीं है या उसका कोई शेड्यूल नहीं है। ये अक्सर हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता है, तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। दूसरा होता है फोन के ऊपर। अक्सर लोगों को देखा गया है कि अगर नए नंबर से फोन करेंगे तो 2-4-5 मिनट तो पहचानिए कौन बोल रहा हूं, जानिए, मतलब अननेसेसरी 2-4-5 मिनट टाइम खराब करते हैं। इतना टाइम नहीं है दोस्तों आज के टाइम में। आप सीधे नाम बताइए और सीधे हालचाल पूछने के बाद उस पे आइए। यहां पर कुछ लोग जब बात करते हैं तो बस सीधे सीधे अपने काम की बात किया और खत्म, ये भी गलत है। कुछ लोग बहुत लंबी बात करते हैं, ये भी गलत है। आपको देखना होता है, हमको देखना होता है कि हम जब बात कर रहे हैं तो सामने वाला फ्री है कि नहीं है, आपको एक बात से अंदाजा लगाना होता है। अगर सिर्फ वो हूं हाँ में ही बात कर रहा है, ज्यादा बात नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आप उसके पास टाइम नहीं है। और यदि बार बार वो ओके बोल रहा है, अच्छा ठीक है ओके, इसका मतलब वो फोन काटने के लिए कह रहा है। लेकिन कई बार लोग इसको भी नजरअंदाज करते हैं, सामने वाला ओके कह रहा है बार बार, अच्छा ठीक है, और वो फिर भी बात किए जा रहे हैं। इतना सेंस हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा आज की तारीख में कि किसी से भी फोन पे बात करें तो देखें कि उसके पास समय है नहीं है। क्योंकि हर आदमी का आज अगर सबसे कीमती चीज है कोई दोस्तों, तो वो है उसका टाइम। ऐसा नहीं कि अगर फोन किसी ने रिसीव कर लिया तो फिर आप 15-20 मिनट आधा घंटा जरूरत की ही बात करनी है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम जरूरत की बात नहीं करते हैं, इधर की उधर की ज्यादा बात करते हैं, तो हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दिन भर में सैकड़ों फोन आते हैं, और अगर 50% भी लोग ऐसे उसके साथ करेंगे तो शाम तक उसकी क्या हालत होगी आप सोचिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं बहुत लोग फोन नहीं उठाते हैं या बहुत लोग फोन को अवॉइड करते हैं, उसका वजह भी यही है दोस्तों। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वो अब बड़ा हो गया, अब वो कामयाब हो गया, अब वो फोन नहीं उठाता है, फोन नहीं करता है। वजह दोस्तों यही है कि हम लोग कितनी बात करनी है, कितना समय लेना है, ये नहीं जान पाए आज तक। और इसीलिए वो व्यक्ति कटता है जिसको हम गलत सोचते हैं कि वो अब शायद घमंडी हो गया, या घमंडी नहीं हुआ जहां तक मैं समझ पाता हूं, उसकी मजबूरी हो गई है
किसी की मजबूरी को समझिए। बहुत लोग फोन करेंगे, उनको लगता है बस पहली रिंग पे ही, फर्स्ट रिंग पे ही फोन रिसीव हो जाए, आधा फोन बजे मतलब पूरा पूरा बेल भी नहीं जाएगा, आधे पे ही वो काट देते हैं। यानी अभी वो व्यक्ति चल के फोन के पास जा रहा है, फोन बंद, तब तक उसका दूसरा फोन आ गया, तीसरा फोन आ गया, वो फोन आपको नहीं कर पाया। कम से कम एक पूरी बेल को जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कि आपसे नहीं बात हुई तो थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कर लीजिए। एक दो बार ट्राई किया तो हो सकता है फोन खराब हो सकता है फोन के पास नहीं हो, हो सकता है फोन कहीं छूट गया हो, तो दूसरा कोई फोन नंबर हो तो उस पर भी ट्राई कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं। बार बार फोन करना ये कहीं से भी उचित नहीं है, तो इतनी समझ हम लोग को जरूर डेवलप करना चाहिए। तो आपका काफी समय लिया मैंने, आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर दोस्तों।